और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ईद बानो की। करीब 76 दिन बाद झुंझुनू के नुआ गांव की रहने वाली ईद बानो ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आखिरी सांस ली। ईद बानो वही महिला है जिसकी संक्रमित किडनी की जगह डॉक्टर ने सही किडनी निकाल ली थी। महिला पथरी का इलाज कराने झुंझुनू जिला मुख्यालय के धनखड़ अस्पताल पहुंची थी। आरोप है कि संजय धनखड़ नाम के डॉक्टर ने ईद बानो का ऑपरेशन किया था। ये रिपोर्ट। डॉक्टर जिसने हत्या की है उस पे 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको फांसी दी जाए। झुंझुनू की ईद बानो ने अस्पताल में तोड़ा दम। किडनी कांड की पीड़िता थी ईद बानो। संक्रमित किडनी की जगह निकाली गई थी सही किडनी। तकरीबन 76 दिन मौत से जंग लड़ते लड़ते जिंदगी हार गई। एसएमएस अस्पताल में झुंझुनू के नुआ गांव की रहने वाली ईद बानो ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। करीब 2.5 महीने पहले झुंझुनू जिला मुख्यालय के धनखड़ अस्पताल में ईद बानो पथरी का इलाज कराने पहुंची थी, जहां डॉक्टर संजय धनखड़ ने उनकी एक किडनी के खराब होने की बात कहकर ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान सही किडनी उन्होंने निकाल दी, जिसके बाद ईद बानो की तबीयत अचानक ही खराब हो गई और उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, त्वरित अनुसंधान करते हुए जो आरोपी थे इसमें डॉक्टर संजय धनखड़, उनको हमने गिरफ्तार भी कर लिया था और चालान भी शीघ्र हमने पेश कर दिया था। अब चूँकि अब जो इसमें परिवादियाँ थी उनकी कल मृत्यु हो गई है, तो हम इसमें कोर्ट में एक एडिशनल एक एप्लीकेशन डालेंगे ताकि इसमें 304 जो पहले वाले आईपीसी में जो 304 धारा थी कल्पेबल होमिसाइड की, वो धारा इसमें ऐड की जाए। इस मामले में संजय धनखड़ नाम के आरोपी डॉक्टर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल डॉक्टर धनखड़ जेल में है। आपको बता दें कि डॉक्टर धनखड़ को लेकर चिकित्सा विभाग की टीम ने जांच की, जिसमें इलाज में लापरवाही, बगैर न्यूरोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिक के ऑपरेशन करना, किडनी निकालने के बाद उसके निस्तारण में बायोवेस्ट कानून की पालना न करना समेत कई आरोप रिपोर्ट में दर्ज किए गए थे। जिला एवं सेशन न्यायालय से उनकी जमानत याचिका को भी खारिज किया जा चुका है। हालांकि ईद बानो की मौत के बाद परिवार प्रशासन से कुछ मांग कर रहा। परिवार का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो शव को नहीं लेगी। ईद बानो के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता, ईद बानो के पति को संविदा पर नौकरी, आरोपी डॉक्टर संजय धनखड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हो, जल्द से जल्द सुनवाई के बाद डॉक्टर संजय धनखड़ को फांसी की सजा, धनखड़ अस्पताल में अब तक हुई मौतों की सीबीआई जांच हो। हमारी जो उचित मांगे हैं वो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे मांगे मानी जाए, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। वही अब देखना ये होगा कि पीड़िता ईद बानो को कब न्याय मिलता है, प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता में क्या कुछ सहमति बनती है। करसन सिंह से कहा, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और करेंगे अगली खबर का। आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में अपनी जगह पर 2 अलग-अलग डमी कैंडिडेट्स बैठाने वाले मूल अभ्यर्थी को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों डमी कैंडिडेट्स अब भी फरार हैं। आरोपी ने हिंदी और सामान्य ज्ञान की परीक्षा में एडमिट कार्ड में एडिटिंग कर डमी कैंडिडेट्स को परीक्षा देने भेजा था। इसे लेकर आरोपी से एसओजी अब पूछताछ में जुटी है। और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को इंदौर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी डीग जिले में 3 साल पहले हुए बहुचर्चित देवीराम मुलाका हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। आरोपी शिव गणेश निवासी मुलाका थाना कामा AGTF कामा लेकर पहुंच गई। SP डीग द्वारा इन बदमाशों पर 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा थी। अगली खबर अलवर से है। नगर विकास न्यास ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर विकास न्यास का जाब्ता मौके पर पहुंचा। मकान के बाहर से सड़क पर आ रहे रैंप को हटाया गया। रैंप सड़क पर आने के कारण
कार्रवाई की गई। रैंप हटाने की कार्रवाई को लेकर मकान मालिकों में भारी रोष दिखाई दिया। इसके बाद नगर विकास न्यास का जाब्ता शिव कॉलोनी तिजारा फाटक पहुंचा, जहां अतिक्रमण दस्ते ने मकानों के बाहर जाली लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान मौके पर लोगों का विरोध भी दिखाई दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर विकास न्यास अधिकारी और शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर मौजूद थे। रोड साइड पर लोगों ने रैम और कार फेंसिंग करके पेड़ लगा रखे थे। पेड़ लगाने की आड़ में उन्होंने रोड पर अतिक्रमण किया हुआ था, तो उनको हमने नियम अनुसार नोटिस जारी किए। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आज UIT द्वारा मौके पर आकर उनका अतिक्रमण JCB की सहायता से हटवाया। भैया कुछ नहीं है, ये पैर थोड़े से सड़क पे बन रहे हैं, या इनके मारे कभी पुलिस को बुलाती हैं, कभी घर में घुसती हैं, कभी मार छेड़ करती हैं, हमारे साथ में गाड़ी बगती हैं दिन रात हमारे लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर SC ST आरक्षण में उप वर्गीकरण को लेकर आरक्षण से वंचित जातियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SC ST समाज की 40 से ज्यादा जातियों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात राज्य सरकार तक पहुंचाई। SC ST समाज संघर्ष समिति राजस्थान के प्रदेश संयोजक राकेश बिडावत और समाज के प्रमुख लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि SC ST की अधिकांश जातियों की 80% जनसंख्या आरक्षण से वंचित है। सरकार कोर्ट के फैसले को लागू कर इन्हें मुख्य धारा में लाने का काम करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आरक्षण से वंचित SC ST समाज 11 अगस्त को पूरे राजस्थान में दीपोत्सव भी आयोजित कराएगा। सुप्रीम कोर्ट जी का जो फैसला आया है उसको लेके आज हमारे SC ST वंचित वर्ग इस आरक्षण से जो है, इन सभी जातियों ने मिलकर आज हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 75 साल से इन जो वंचित जातियाँ हैं, कम से कम 80% संख्या जनसंख्या है जो ये आरक्षण SC ST आरक्षण से वंचित है। तो सरकार से कोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई है। SC ST समाज की ओर से उनका कहना है कि कई वर्ग ऐसे थे जो आरक्षण से वंचित थे, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द सरकार कोर्ट के इस फैसले को लागू करे। जनप्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया और इसे लेकर दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। SC ST समाज में इसे लेकर भारी खुशी है और अपने खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जश्न भी मनाया गया।